I'm so sorry. I can live with a cheater, but I can't live with a coward. So man the fuck up and take that test. मैं कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगा जब तक आप मेरी बात नहीं सुनोगे, ओके? कल सुबह हम लोग देहरादून सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं, बात खत्म। तुम्हारे माइंड ब्लोइंग ताने कहाँ से लाती हो सब? कुछ बोलना है सीधे सीधे कहो ना। मॉम मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है एंड आई एम लीविंग नेक्स्ट वीक। यूनिवर्सिटी कब बताने वाली थी? अगर वो मेरे पापा हुए तो। विक्रम क्या हुआ तुम्हें? गीता से बात करो। गीता सुनो। ओ गीता। अम्मा। अम्मा। आप लोग ड्रामा खत्म हो गया? फोटो ले लो। 1 2 3 स्माइल। अम्मा, अम्मा दरवाजा खोलो। क्या हुआ? दरवाजा नहीं खोल रही, जवाब ही नहीं दे रही है। हाँ? अम्मा। 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 कब से हो रहे हैं? 20-25 मिनट हो गए। 20-25 मिनट? दो नीट वोडका के बाद बेगम अख्तर की ठुमरी। मैम कुछ पेपर्स पे आपके साइन चाहिए। मैम डॉक्टर से मिल के आ रहा हूँ। यहाँ कुछ नहीं करने को, तुम घर चले जाओ। सीधे क्यों नहीं कहते थे? तुम मुझे यहाँ देखना नहीं चाहते। गीता, I am not in a mood for any argument, okay? Besides, I know how to take care of my mother. खुशी हुई? Please यार, मुझे बख्श दो, please. वैसे ही बहुत कुछ झेल रहा हूँ। सही कह रहे हो, मैं भी पता नहीं क्या सोच रही हूँ। विक्रम, जिस तख्त पर बैठ के तुम सारी दुनिया को जज करते हो ना, उसे जरा नीचे उतर के देखोगे तो पता चलेगा। The victim of an affair is not always the victim of a marriage. इस अफेयर की विक्टिम अगर तुम हो तो हमारी शादी की विक्टिम मैं हूँ। नहीं समझ में आया ना, एक पैग मार देना, सब समझ में आ जाएगा। खालो। अरे खालो, बहुत टेस्टी है। यार विम्मी, तुझे भूख कैसे लग रही है? आप लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? देखना मम्मी जी 2 दिन में ठीक हो जाएंगी और फिर हम सब लोग दिवाली की शॉपिंग करने जाएंगे साथ साथ। कुछ और बात है क्या? यार मेरी एडमिशन्स के लास्ट डेट है कल, और सबको इस हालत में छोड़ के मैं दिल्ली कैसे जाऊंगी? तो कैंसिल कर दो ना। यार शादी थोड़ी ना है जो 2 मिनट में कैंसिल हो जाएगी। हो गया तेरा, की और बाकी है? यार सॉरी दीदी, आप ही लोग तो मेरी फैमिली हो ना। देखना सब ठीक हो जाएगा। अब खा लो ना, प्लीज खा लो, प्लीज खा लो।
ओके कुछ खा लो मैं बैठता हूं कुछ खा लो मैं बैठता हूं हाँ पागल तू क्यों रो रहा है सब तुझे बुरा समझते हैं लेकिन मैं जानती हूं तू अच्छा है तू जो कुछ भी करता है प्यार के लिए करता है ये लोग समझते ही नहीं याद है समर के लिए कॉल आया था और तू चला गया था क्योंकि तू जानता है समर आप ही के लिए तैयार नहीं है तू सबका कितना ख्याल रखता है अदिति मृतुल और ये किसी को पता ही नहीं मैं जानती हूँ तू समझ नहीं रही है अम्मा उसे उसको जाना नहीं है तो तू उसकी जगह क्यों जा रहा है बिकॉज़ दे नीड समवन नो अम्मा समर ना आर्मी को लेकर अनश्योर है तो ऐसे में किसी मिशन पे भेजना इट्स डेंजरस फॉर हिम अगर वो आर्मी छोड़ के तुझे छोड़ के भाग गया तो तू उसका ध्यान कैसे रखेगा मुझे छोड़ के क्यों भागेगा अच्छा ऐसा हुआ भी ना जब तक मेरे बस में है मैं ध्यान रखूंगा ओके गीता जानती है मैं बस जा ही रही थी कहाँ जाओगी आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं अच्छा छोड़ो इस पेशेंट की हालत बहुत खराब हो रही है मैं डॉक्टर को लेने जा रही हूँ तब तक आप दोनों इसे हर 10 सेकंड में ये कॉटन सुंघाइएगा प्लीज क्या बोल के गई हूँ क्या करना है सुंघाना है प्लीज डोंट गो नॉट नाउ नॉट एवर यार तुम जानती हो ना मेरी प्रॉब्लम है मैं दूसरों के प्रॉब्लम्स को अपने से कम समझता हूं You know how I am. खुद गर्स. हाँ तो प्लीज स्टे. बहुत आसान है ना तुम्हारे लिए जब चाह घर से निकाल दिया जब चाह रोक लिया तुम्हें डीएनए टेस्ट चाहिए था ना मिल गया अब मुझसे क्या काम कुछ ही दिन में मम्मी ठीक हो जाएगी अब उनको घर ले जाएगी यू कैन टेक केयर ऑफ योर मदर गीता 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 मेरे गीता गीता यार मैं माफी तो मांग रहा हूँ अब मैं क्या करूँ पैर पड़ूँ तुम्हारे तुम्हारा जवाब नहीं है विक्रम इतना सब कुछ होने के बाद तुम चाहते कि मैं रुक जाऊं क्यों रुकूं मैं बता तुम्हारे डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आने वाला है ना तो शायद तुम्हें पंजीक भाई की जरूरत पड़ेगी मुझसे बेहतर पंजीक भाई तो तुम्हें मिलने से रहा इधर एक एक मिनट यार
गीता, अगर अगर तुम चली गई ना तो क्या ठीक नहीं होगा? जैसे ठीक कहाँ होता है मेरे साथ, बताओ। लिसन टू मी, तुम्हारे पनिशमेंट सहने के लिए मैं और रुकने वाली नहीं हूँ कर्नल विक्रम। सुनो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी, हट मेरे रास्ते से, मेरी बात तो सुनो, हटिए। अच्छा मैं अरे आप दोनों को मैंने कुछ काम कहा था ना? हाँ, वो रख दिया वहां पर। कॉटन गीता, गीता, आई नो आई वाज रॉन्ग, स्टिल इन द रॉन्ग, वी हैड अ गुड लाइफ, वी डिड And you spoiled it. अच्छा मृदुल के बारे में सोचो कि वो क्या करेगा? एक बार तुम चली गई तो वो अकेला पड़ जाएगा। तुमने कभी सोचा है? कभी एक बार उसके बाप बनने की कोशिश की? उस बच्ची की जिंदगी में अगर तुम्हारी जगह किसी और बेजान चीज को रखा जाए ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उस बच्चे के दिल में क्या है, वो क्या सोचता है, क्या कहता है, कुछ समझते हो तुम? सारी जिंदगी में इस अफसोस के साथ रहना कि उसकी जिंदगी में तुम सिर्फ गमले हो। इसको तो बीच में आना ही था। क्या है? Why you weeping like one? अम्मा, अम्मा को क्या हुआ? अम्मा, अम्मा, मुझे उस फोन कॉल के बारे में क्यों नहीं बता? फोन कॉल? कौन सा? समर, दीदी, अम्मा she's slipping. रद्दू, तेरी दादी के जितने रियल लाइफ में फ्रेंड्स हैं उतने तो मेरे फेसबुक में भी नहीं है यार। I'm just saying. Oh,
इतनी जल्दी कैसे हो गया ऐसा? ये इतने सारे लोग कहां से आ गए? कौन है ये लोग? मम्मी जी के दोस्त है। ऐसा लगता है कि मम्मी जी की कदर हमसे ज्यादा ये लोग करते थे। We'd like to thank everyone for coming here today. आज आप सब यहाँ पर इसलिए नहीं आए क्योंकि अम्मा बहुत मशहूर थी, बल्कि इसलिए आए हो because she was all heart, all love and all laughter. एक बार जब मेरे हस्बैंड विक्रम ड्यूटी के लिए कनूरी से बाहर चले गए थे तो अम्मा ने मुझसे कहा था कि कॉलेज वाले रोड पर एक नया क्लब खुला है, चलकर कैरियोकी गाते हैं. मुझे लगा कि अम्मा का दिमाग खराब हो गया, पर उस रात 2:30 बजे तक हम किशोर कुमार के गाने गाते रहे, डुएट्स भी. इतनी एम्बैरस हुई थी मैं, लेकिन उससे ज्यादा मजा भी कहीं नहीं आया. अम्मा ने कहा था कि एक दिन फिर हम कभी चलेंगे, लेकिन ऐसा मौका कभी नहीं आया. आज अगर वो यहाँ पर होती तो किसी को रोने नहीं देती, वो चाहती कि सब यहाँ से हंसते हंसते जाए. उनकी वोडका, उनके गाने, उनका जज्बा और सबसे ज्यादा उनकी स्पेशल चाय. इसलिए सोनाली और मैंने ये फैसला कर लिया कि आप सबके लिए उनकी स्पेशल चाय बनाएंगे. दैट वुड बी द बेस्ट वे टू रिमेम्बर हर. तब फिर क्या? तब फिर मम्मी जी तो रही नहीं, तब फिर चाय मुझे अकेली पीनी पड़ेगी. तेरी सबसे पुरानी कस्टमर नहीं रही ना? अच्छा सुन, तूने हिसाब किया कि नहीं? पैसे बाकी हो तो बता देना, मैं विक्रम भैया से बोल के दिलवा दूंगी. मम्मी जी ने मुझे लाइफ में पैसे से भी इम्पोर्टेंट चीज दी है, तू शादी करेगी मुझसे? शादी खाएंगे क्या? अरे म्युनिसिपैलिटी में नौकरी कर लूंगा ना, और अपना साइड बिजनेस तो है ही है. कुछ भी, मम्मी जी भी यही चाहती होंगी. कश्यप, दो गार्लैंड चाहिए और जी. पर देखना क्या है. अम्मा के फोटो के यहाँ पाए गए, कौन है? पप्पू होगा शायद, पता नहीं. पप्पू? उसको क्या लगता है मजाक हो रहा है यहाँ पे? ठीक है भाई यार, किसी का अपना अपना तरीका होता है प्यार दिखाने का. हाँ, और तुम लोग का तरीका होता है कि हर बात चुटकुलों में कहो. सुधर जाओ यार. भैया फूल ला था, 2 दिन में मुझे आ जाते हैं. This will only get better with time. और वो मकान वाली बात? That's not going to get better with time. भैया झगड़े सबके होते हैं. जो बात को पकड़ के बैठा रहता है दुख उसके पास रह जाता है. पप्पू को तो ये भी पता नहीं होगा कि उसने कल रात को कितनी पी थी. भूल जाओ ना भैया. भैया वो कोई लॉयर आए हैं, अंदर है. आप मिस्टर विक्रम रानावत हैं? मैं एडवोकेट शर्मा. ये मेरे भाई हैं समर. आपकी मदर ने आप लोगों के लिए एक विल बनाई, एंड शी वांटेड इट टू बी रेड आउट एट हर फ्यूनरल. आप अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को बुलाएंगे? शुरू करें.